रंग लाया सचिन सायली का प्यार। सजना करे सजनी का श्रृंगार। आया सुहागनों का त्योहार। स्टार्स के सीरियल उड़ने की आशा में आज सचिन अपनी सायली पर वारे वारे जा रहे हैं। असल में सचिन ने सायली को करवा चौथ पर तोहफा दिया है, अपने पसंद के कलर का लहंगा चोली सिलवाया है, जिसे पहनकर सायली उसके सामने आ गई। बस फिर क्या, सायली को देखकर सचिन ने अपनी सायली का अधूरा श्रृंगार करना शुरू कर दिया, वो भी अपने हाथों से। जरा देखिए कैसे उसे चूड़ियां पहना रहे हैं, उसका साज श्रृंगार कर रहे हैं और साथ ही जता रहे हैं अपनी सायली पर ढेर सारा प्यार भी, क्योंकि अब इनका रिश्ता मजबूत जो हो रहा है। हाँ, बिकॉज सचिन ने पर्सनली ये चीज़ बनवाई है, ये पूरा ड्रेस बनवाया और उसने खुद मुझे तैयार किया है, मेरी मुझे ज्वेलरी पहना के, दुपट्टा लगवा के, कंगन पहना के। सो ही हैज़ एक्चुअली लव्ड व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग फॉर मी एंड आई थिंक सायली इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि सचिन पहले बैक टू नॉर्मल हो रहा है सायली के साथ। एंड जैसे हमने आज के एपिसोड में वचन लिए थे जो टेलीकास्ट हुआ था कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक दूसरे को समझेंगे, करेंगे एक दूसरे के लिए सब कुछ, तो आई थिंक आर रिलेशन इज़ ग्रोइंग एंड आपको जो साची फैंस है आपको वही देखने मिलने वाला है। भाई रिश्ते के लिए सचिन की कोशिश देखकर सायली शर्मा तो रही है, साथ ही उसे अपने सचिन पर आ रहा है ढेर सारा प्यार भी। और इसी प्यार में आता है ट्विस्ट, जब टूट जाती है सायली की सिंदूरदानी। और ऐसे में सायली टूटी हुई सिंदूरदानी को लेकर पहुंच जाती है औरतों के बीच में, तभी औरतें ये देखकर उसे अपशगुन का नाम देती हैं। ऐसे में सचिन ये सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन सायली अपनी करवा चौथ की पूजा कंटिन्यू रखती है। पूजा की थालियों को अदला बदला जाता है और फिर सभी को चांद नजर आता है। ऐसे में सारी सुहागने पहुंच जाती हैं अपने व्रत को तोड़ने के लिए अपने पति के साथ, लेकिन सायली वो तो अपने सचिन का इंतजार कर रही है। ऐसे में उसके इंतजार को देखकर सायली की सासू माँ ताने कसती है, वो तो ये तक कहती है कि सचिन नशे की हालत में आएगा, लेकिन जैसे ही सायली बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी वहां पर पहुंच जाता है सचिन लेकर अपनी बीवी के लिए खास तोहफा, नई सिंदूरदानी। तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाने का था, मैं सिंदूरदानी लाने के लिए गया था। वो सिंदूरदानी ढूंढ रही थी तो तेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना सहेली, इसलिए गया और खींच लेके आया। तेरे को याद है पिछली बार हम लोग जब लेने को गए थे तो तेरे को ये चांदी वाला पसंद आया था, सचिन आता नहीं है बेसिकली। मैं वेट करती हूँ बिकॉज उसने कहा कि उसे कोई सवारी आ गई है और रेणु मुझे ताने मारती है कि वी ऑल नो कि किस हालत में वो घर आएगा, लाइक ही विल ड्रिंक एंड ऑल। तो मैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि नॉट टुडे, मतलब आज अगर उसने ऐसा ना किया वो ही अच्छा रहेगा। तो आई हैव फेथ कि सचिन ड्रिंक नहीं करेगा या ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिले या काका का नाक, यू नो, नाक कटे। बट लेट्स सी व्हाट ही डज बिकॉज इफ आई विल टेल यू एवरीथिंग तो मजा नहीं आएगा ना एपिसोड देखने में। भाई सचिन के इस तोहफे ने सायली का दिल जीत लिया और जो देखने वाले जल रहे थे उनके दिल को और भी जला दिया।
उम्मीद करते हैं कि अब सचिन और सायली के रिश्ते में और भी सुधार आए और इनका रिश्ता और भी मजबूत बन जाए। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। एक बार फिर आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।